राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, इसमें आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया रहेगा, ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो सेकेंड है, जो प्रिफिक्स स्ट्रिंग है, वो कितने स्ट्रिंग में एज अ प्रिफिक्स अकर कर रहा है, ठीक है। आपको उसका काउंट बताना है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रिफिक्स स्ट्रिंग है वो आपको दिया हुआ एट, तो आपको बताना है कितने स्ट्रिंग में ये प्रिफिक्स की तरह अकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटेंशन में 80, राइट, पी से चालू हो रहा है, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं 80। तो यहाँ पर दो ऐसे स्ट्रिंग है जहां पर ये एज अ प्रिफिक्स अकर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोड वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर प्रिफिक्स जो है वो कोड है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्ट्रिंग में एज अ प्रिफिक्स अकर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए तो कोड है तो सही, और वो प्रिफिक्स नहीं है, राइट, वो एंड में अकर कर रहा है। तो आपको तो बस बताना है प्रिफिक्स कितना है, कितने स्ट्रिंग में प्रिफिक्स की तरह ही अकर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, राइट, और उससे मैं क्या कर लूंगा कि सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा कि वो है कि नहीं। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप ये स्ट्रिंग में, ये जो एरे ऑफ स्ट्रिंग है उसमें आप इस स्ट्रिंग पे जाओ और इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो। अगर आपका ये स्ट्रिंग, आप पूरे के पूरे इस स्ट्रिंग को इटरेट कर जाते हो और आपको सब इस पे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो अगेन सही है। और अगर आपको इस पे इटरेट करते हुए कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, जैसे लीड कोड को अगर मैं देखूँ, LEETCODE, ठीक है, और इधर कोड, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गया इधर, इसका कैरेक्टर है सी, इसका कैरेक्टर है एल, तो पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आ गया, खत्म कहानी। और वहां पर अगर मैं दूसरा केस देखूं अटेंशन वाला, तो यहाँ पर एट था, यहाँ पर मैं यहाँ पर इटरेटर रखूंगा फर्स्ट स्ट्रिंग में, यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग में, यहाँ पर इटरेटर रखूंगा, फर्स्ट वाला मैच कर गया, फिर मैं सेकंड कैरेक्टर पे जाऊंगा, सेकंड वाला भी मैच कर गया, अगेन हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम थर्ड पे चल जाएंगे, और यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग के एंड पे आ गए। तो क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग जो प्रिफिक्स स्ट्रिंग था उसको हम पार कर गए, इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमको इसके सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं, तो ये ऐसा प्रिफिक्स है, ठीक है। तो आप बहुत आसान से ऐसे भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा इसमें str.find इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया, तो अगेन इससे कोई ऐसा खास फायदा नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा फायदा है, मतलब सेम चीज है, बस आपको ये इतना लूप वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक बार में कर लोगे। पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही नहीं, आपके पूरे के पूरे स्ट्रिंग में खोजेगा कि हाँ ये वाला आपको जो कैरेक्टर है, सॉरी ये वाला जो आपको स्ट्रिंग है प्रिफिक्स स्ट्रिंग, वो आपको कहीं पर भी स्ट्रिंग में मिलेगा तो उसके लिए सर्च करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सर्च नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें एक चीज और मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो मैं आपको अपने कोड के थ्रू आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक ये आंसर वेरिएबल बना लिया है जो कि स्टोर करेगा मेरा काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें ये प्रिफिक्स की तरह आ रहा है, ये प्रिफिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने इटरेट करना चालू किया इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में, और इसके बाद फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या ये जो स्ट्रिंग है प्रिफिक्स स्ट्रिंग, ये इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग पे मैं हूं अभी, उसमें है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक है, तो बात खत्म, और अगर है भी तो उसका अकरेंस जो है वो जीरोथ इंडेक्स पे अगर नहीं है तो भी बात खत्म। तो मैं दो चीज बोल रहा हूं, एक तो वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, और होने के साथ साथ में वो जीरोथ इंडेक्स पर होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन मीट कर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें एक ऐसा स्ट्रिंग मिल गया जिसमें ये प्रिफिक्स स्ट्रिंग एज अ प्रिफिक्स अकर कर रहा है, विल इंक्रीमेंट आवर काउंटर वैल्यू, एंड देन आफ्टर होल इटरेशन वी कैन रिटर्न द आंसर। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा आसान होगा, पर कोड लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि कॉम्पिटिशन में हम थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।